गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी स्नोई सी मॉर्निंग में वेलकम है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द व्लॉग, दो दो ओकेजन्स मुझे आप सबको विश करनी है। एक तो होली, ठीक है, और दूसरी है हैप्पी विमेंस डे। तो आप सबको ढेर सारा हैप्पी होली और ढेर और हैप्पी विमेंस डे, दोनों ही फेस्टिवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंस की है, सो मस्ट इन्जॉय करिए। और यहाँ पर देखिए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और बाहर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, तो बाहर कुछ नहीं कर सकते। और आज से एक्चुअली ये ब्लॉग मंडे का है, सो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन ये होली का ब्लॉग धीरे धीरे अपलोड होगा, क्योंकि होली हम लोग एनीवे भी इस वीकेंड नहीं मनाएंगे, लेट से ही मनाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करती हूँ। एक दिन सारा कुकिंग नहीं करती, बिकॉज यू ऑल नो मुझे अकेले कुक करना है, सो आई हैव टू डू इन बिट्स एंड पार्ट्स। और यहाँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन रहा है और कॉफ़ी बन रहा है। ब्रेकफास्ट में सिंपल बॉयल्ड एग्स खाने वाली हूँ आज, क्योंकि इसके मुझे बस थोड़ा सा एक मतलब। और ये देखिए, मैंने आज मस्त सा ना अपना नाइट ड्रेस निकाला, फाइनली मुझे मिल गया, नहीं तो मैं पता चलता विंटर्स निकल गई और नाइट ड्रेस ही नहीं निकला। मस्त सी कॉफ़ी बन चुकी है और कॉफ़ी बना के मैं पहले रूम में जाके आराम से इसको इन्जॉय करके पीने वाली हूँ, फिर ही कुकिंग करूँगी। थोड़ा सा सुबह में है मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था, सो आई कैन लाइक कंटिन्यू व्हाट आई वांट टू डू। और अर्ली मॉर्निंग ना, बिफोर आई स्टार्ट द किचन वर्क बेसिकली, सो आई नीड समथिंग वार्म और कैफीन, सो दैट इट गिव्स मी एनर्जी। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे करते हैं, पहले तो कॉफ़ी पीते फिर किचन में जाके काम स्टार्ट करते, मुझे डेफिनेटली बताना। मालपुआ बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके बना रही हूँ, सो धीरे धीरे व्लॉग्स में भी आएगा। और फ्राइडे को, और ये मालपुआ बनाने के लिए ना मैंने नारियल ली है, मैंने शुगर बिल्कुल नहीं डाला था। ये जो ग्रेटेड कोकोनट है ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है, थोड़ा सा खजूर डाला था, ग्रेटेड कोकोनट जो ऑलरेडी स्वीट था, बनाना डाला था, सौंफ डाली थी इसमें मैंने, और मैं भूल गया एक्चुअली। और वही जो अपना एक्चुअली मैंने मैदा से बनाया था ये पुआ, बहुत मैदा से नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं हम आपको पता है हम लोग के घर में कभी भी ये सब नहीं बनता। और लास्ट टाइम गौतम अकेले थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब होता है ना, गिल्ट फीलिंग होती है कि आप इंडिया में इंजॉय कर रहे हो और यहाँ पर आपका पार्टनर इतना अकेले है। तो मुझे था मुझे जितनी चीज़ें आती है बनाने का मैं बना दूंगी। और हुआ क्या ना, पुआ मैंने एक एक बैच तो फ्राई करके 4-5 बना लिया था, आई थिंक 6 बनाई थी, और दूसरा बैच में ना मैं इसको पापड़ जैसा कि इसको रोस्ट कर रही हूँ, आई एम नॉट फ्राइंग इट, बिकॉज इतना फ्राइड फूड भी मुझे नहीं खाना था। ये वाला मोस्टली मैं ही खाऊंगी, मैं फ्राइड वाला नहीं खाऊंगी, क्योंकि होता क्या है ना कि हमको एज वुमेन वी ऑल फील लाइक यू नो फेस्टिवल है तो अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा बना के खिलाओ, लेकिन मतलब होता है ना लाइक मुझे इतना बनाते बनाते ही ना, आप लोगों के साथ कितने लोग के साथ हुआ होगा होली में कि आप इतने सारे डिशेस बना रहे हो और उसमें आपका पेट भर जाता है बनाते बनाते, फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। और साथ ही मेरा एक कॉल भी था तो मैंने ऊपर एक स्वेटर बदल लिया था, बिकॉज क्योंकि यहाँ तो होली की कोई डेजिग्नेटेड छुट्टी नहीं होती, सो उसी में आपको धीरे धीरे करके मैनेज करना पड़ता है। तो आज मैं आलू की एकदम मस्त ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं आलू को बॉईल करके उसके बाद उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी नमक हल्दी मिर्ची वगैरह के साथ। और यहाँ पर जो है आलू का जो मसाला लगाने के लिए मैंने मस्त सी ग्रेवी तैयार कर ली है।
का आलू बहुत ही अच्छा रोस्ट हुआ था एंड बहुत ही डिस्टिंक्ट था, मस्त सा, मतलब वो रोस्ट होने के बाद ऐसे ब्राउनिश जब हो जाता है ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ट्रस्ट मी, आई थिंक होली और दो दिवाली ऐसी फेस्टिवल है जिसमें वी लव टू ईट एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज फेस्टिवल्स। लेकिन हाँ, खाने के बाद वर्कआउट ज़रूर करना, आप सब भी, मैं भी करूँगी, बिकॉज इतना खाने के बाद वर्कआउट इज़ अ मस्ट। खाओ, मेरे को ये लगता है खाओ सब कुछ लेकिन वर्कआउट करो, लाइक दैट कैच एक्चुअली काइंड ऑफ कॉम्पनसेट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने थोड़ा सा कैशू का पेस्ट भी डाला था, सो ग्रेवी काफ़ी थिक बनी थी क्योंकि स्पेशल ओकेजन है। और हम लोग के घर में आज मैं नॉनवेज नहीं बना रही क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी सारी डिशेज बनाऊँ। तो जो भी है मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे, बिकॉज आई हैव टू मैनेज माई ऑफिस वर्क ऑल्सो, सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, मेरे से जितना बन पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, अपनी मस्त सी जो है आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई, और ट्रस्ट मी, ये इतनी अच्छी बनी थी ना, आई रियली कैन नॉट टेल। दो तरह के मालपुए रेडी हो चुके हैं, एक फ्राइड वाला, एक नॉन फ्राइड वाला। मैं हूँ महान, मैं फ्राइड वाला नहीं खाऊंगी। मैंने बनाते बनाते थोड़ा बस टेस्ट के लिए तोड़ के खाई थी, लेकिन अदरवाइज़ जो मेरा मील होगा वो नॉन फ्राइड वाले से होगा, क्योंकि मैं मुझे मुझे अच्छा लगता है खाना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मुझे नहीं खाना नॉन फ्राइड वाला। एक्चुअली नॉन फ्राइड वाला आप लोग को लग रहा होगा बहुत बोरिंग सा है, लेकिन आप लोग इस तरीके से ट्राई करना, हल्का सा ना तवा को रोस्ट करके, मतलब तवा को क्यों रोस्ट करना, तवा पे ऐसे हीट करके उसको लैडर लैडर से डोसा बनाते वैसे बनाना, बहुत टेस्टी लगता है एंड यू विल नॉट फील लाइक यू नो ये डीप फ्राइड नहीं है। आप लोग ये वाला वर्जन ट्राई करना इफ़ यू वॉन्ट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस। अभी तो होली है तो चलता है, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस भी आपके घर में बच्चे वगैरह है या फिर आपके बाकी फैमिली को ऐसा कुछ मीठा मीठा खाने का मन है तो। और इसमें मैंने चाशनी नहीं डाली क्योंकि मैंने मैंने जो बैटर बनाया था उसमें खजूर से मैंने बहुत ज़्यादा सफिशियंट मीठा कर लिया था, सो आई डोंट थिंक इसमें और ज़रूरत है। सब प्लेट रेडी हो गया है और ट्रस्ट मी, इतना अच्छा बना, एक्चुअली पैनकेक जैसा बना था, जैसे अपना होल व्हीट पैनकेक सब कह सकते हो, उस टाइप का इसका थोड़ा टेस्ट आ रहा था। लेकिन जो बोलते हैं ना घर की याद, मम्मी ऐसे, मैं घर पे भी नहीं खाती थी पुआ, इंडिया में भी नहीं खाती थी, लेकिन खा के थोड़ा लगा चलो होली होली सा हो गया है, यहाँ तो होली जैसा कुछ फील ही नहीं होता। ये US या फिर आप वेस्ट में अपने देश से दूर हो तो एक प्रॉब्लम होती है, हर फेस्टिवल में आपको खुद को गियर अप करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है, तभी आपको फेस्टिवल जैसा फील होगा, नहीं तो ऐसे दिन निकल जाता है और आपको फील ही नहीं होगा। और आपको मैं क्या फील कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इतनी अच्छी सी स्नोफॉल हो रही है, स्नो वाली होली हो रही है लेकिन ठीक है, इसको भी हम लोग इन्जॉय करेंगे। और बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे, आज कौन सा डे, आई फॉरगॉट, लेकिन मंडे ट्यूसडे पूरा स्नोफॉल हुआ है, और जब ये स्नोफॉल होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। स्नोफॉल हो और मैं बाहर खिड़की का व्यू ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा कुकिंग अभी करनी है। सो एक तो बेसिक रेगुलर फूड भी बनाना है, बिकॉज ये सब खा के ऑफकोर्स पेट नहीं भरता मेरे को लगता है, जब तक अपना राइस रोटी दाल ये जो भी हम लोग मेन कोर्स टाइप फूड खाते ना तब तक पेट नहीं भरता। और पता है आज मैंने 3-4 डिशेज और बनाई, मतलब आप लोग को धीरे धीरे से सारा व्लॉग्स मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग को लगे लड़की कितने दिन से होली मना रही है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो राइट, जैसे जैसा देश वैसा भेष हमको करना पड़ता है, बहुत बड़ा ये है। सो यहाँ पे
अभी मैं सोच रही हूँ बाकी का लंच में क्या बनाऊँ, तो मतलब ऐसे सोच रही हूँ रोटी, मेरे पास सत्तू की मतलब सत्तू की रोटियाँ और साथ ही बना लेती हूँ एग भुर्जी, ये दोनों बना लूँगी तो हो जाएगा। मतलब अगर किसी को ये सब नहीं खाने का मन करे तो वो भी खा सकता है, और साथ में एक नमकीन भी बनाऊँगी, हम लोग ना उसको बिहारी में निमकी बोलते हैं। पे अपनी मस्त मस्त सी सारी रोटियां बन गई, और इस रोटी में तो आपको पता ही है मैं सत्तू या चना उसी का आटा मिला देती हूँ, मतलब रेगुलर होल व्हीट फ्लावर के साथ, क्योंकि लाइक ये हो जाएगा ना देना, मतलब हो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ फेस्टिवल में फेस्टिवल का खाना नहीं, रेगुलर खाना भी एक टाइम के लिए बना लेना चाहिए। ऐसे तो बोलते हैं होली में से नहीं बनाना चाहिए, मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है, लेकिन मैं बना लेती हूँ। और आज मैंने, पता है आपको, इतना मैंने ऑयली फूड खाया, आज मैं बनाई थी समोसा और बटाटा वड़ा, और उसका मैंने इंस्टाग्राम रील पे मस्त सब वीडियो बना के पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, आप लोग ज़रूर चेक करना अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो। एग भुर्जी बिकॉज़ और साथ में पेपर्स डाल के एग भुर्जी बना लिए, कंप्लीट मील हो जाएगा, बिकॉज़ मैं ये थोड़ा सा ही खाई थी और मेरे को ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। मैंने बोला ना, जब आप कुक करते हो ना तो आपका कहीं ना कहीं इच्छा चला जाता है खाने का, मतलब वो आप इतना टाइम किचन में रहते हो, सो यू नो द एनर्जी टू ईट दैट फूड एक्चुअली वैनिशेस। लेकिन अभी जो भी कुकिंग कर लूँगी इस वीक तक, और फ्राइडे को एक्चुअली हम लोग होली मनाएंगे मतलब कलर्स वाला, कलर्स के गुलाल एक दूसरे को लगाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। और टेक्निकली आफ्टर मैरिज, लाइक माई मैरिज, मेरी शादी हुई थी जनवरी 2021 में, सो 2022 में तो मैं इंडिया चली गई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट मैरिज होगी, मतलब मैरिज के बाद फर्स्ट होली हम लोग के साथ में होगी, तो इसीलिए मैं जिस दिन हम लोग कलर्स वगैरह एक दूसरे को लगाएंगे उस दिन मैं कुक नहीं करना चाहती, उस दिन मैं बस यू नो आई वॉन्ट टू ड्रेस अप नाइसली और अच्छे से बस ये करना चाहती हूँ। और पता है बीच में थोड़ा सा स्नोफॉल रुक गया था और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल गई थी। नमकीन बनाने, इसको निमकी बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम से बोलते हैं, तो ये भी मैंने आटे का नहीं बनाया था, ये मैंने मैदे का बनाया। मैंने जितने भी आइटम्स बनाए मोस्टली मैदे का ही बनाई हूँ, बिकॉज़ मुझे वो परफेक्ट ऑथेंटिक फील लाना था अपने लिए, नहीं गौतम के लिए, बिकॉज ही लव्स टू ईट। लेकिन उसके बाद यू नो आफ्टर ईटिंग दैट मालपुआ आई वाज लाइक मुझे नहीं खाना। मैंने बोला बने खाओ चाहे मत खाओ, बनेगा तो फॉर श्योर, लेकिन फेस्टिवल है तो आई डोंट वॉन्ट यू फील लाइक यू नो आपको फील ना हो कि आप जैसे लेफ्ट आउट हो गए। तो यहाँ देखिए मस्त अपनी निमकी बन रही है।
इतनी अच्छी बनी थी ना, मतलब गौतम बोल रहे थे तुम एक काम करो, तुम पार्ट टाइम में ना निमकी बना बना के पैक करके बेचना शुरू कर दो, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। हम लोग घर पे नहीं बनाते, ओनली रीज़न क्योंकि अनहेल्दी थोड़ा होता है और साथ ही थोड़ा एफर्ट लगता है। लेकिन अब थोड़ा एफर्ट करके बनाओगे ना, एंड वाई नॉट, वाई नॉट स्टार्ट अ होम बिजनेस। आप वेस्ट में रहते हो, एक कैपिटलाइज कंट्री में रहते हो, तो आप हवा को भी कैपिटलाइज करना सीख जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, आने के बाद रियलाइज होता है हर चीज़ कैपिटलाइज्ड है। हाउस होल्ड हेल्प से लेके हैविंग फन, एवरीथिंग इज जस्ट सो मच कैपिटलाइज। लाइक डॉलर फेंको तमाशा देखो, वो वाला सिचुएशन है। लेकिन मैं ऐसा कोई होम बिजनेस शुरू नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी एनर्जी है। की बन गई थी और मैं काम कर रही थी, बीच बीच में ब्रेक ले रही थी, और साथ ही मैंने इधर गाना म्यूजिक लगा के रखा था सो दैट आई डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट। और आज काफ़ी सुबह से मैं किचन में घुसी हूँ। आई थिंक होली में ऑल द लेडीज़, मैं मम्मी को भी बचपन से देखती थी, ऐसा होता था ना कि वो मतलब लगी रहती थी कुकिंग बचपन में, तो मैं कुकिंग नहीं करती थी, बस खाती थी, तो वो लगी रहती थी होली। अब 2 दिन होली शुरू होने से मम्मी पहले परेशान रहती थी, कैसे होगा क्या। होली और दिवाली में सो दो फेस्टिवल्स में ना सबकी हालत एक जैसी ही होती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, मैं ये मेरा दूसरा कप ऑफ कॉफ़ी चल रहा है, बिकॉज़ जब तक कॉफ़ी नहीं पीऊँगी मेरे शरीर में एनर्जी नहीं आएगा कहने के लिए। सब डिशेस ऐसे आप वीडियो में देखते तो लगता है अरे फटाफट फटाफट बन गया, लेकिन जब आप बनाने बैठो, कुकिंग क्लीनिंग और डिश वॉशर में इतना फ्रिक्वेंटली रात को यूज़ होता है, सो बेसिकली बीच बीच का डिशेज़ भी मुझे क्लीन करना होता है, सो बहुत ज़्यादा काम होता है। और पता है आज मैं कौन सा सीरियल देख रही थी? सारा भाई सारा भाई, दैट इज़ वन सीरियल आई लव टू वॉच। लाइक आई कैन वॉच इट, मैं और मेरा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई, हम लोग इंडिया में थे ना, हम लोग रात रात भर बैठ के इसका पूरा सीरीज 5 बार 6 बार देखते थे। इतनी फनी, आप लोग में से बहुत लोग ऑलरेडी इस सीरियल के फैन होंगे। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एवर बींग प्रोड्यूस्ड ऑन इंडियन टेलीविजन, विच ऑल शुड बी प्राउड ऑफ। देर इज़ नो वल्गैरिटी, देर इज़ नो नॉनसेंस, इट्स जस्ट प्लेन कॉमेडी, क्यूट प्लेन कॉमेडी। सो बस यहाँ पर मैं मस्त अपना सारा भाई वर्सेस सारा भाई का सीरियल इन्जॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे मतलब इस एरिया बॉस्टन में कुछ कुछ फेस्टिवल्स मतलब सेलिब्रेशंस है होली की, अगेन दैट इज़ कैपिटलाइज। कैन यू इमेजिन पर टिकट उन लोगों ने $100-$120 दाम रखा है, सो इफ़ टू पीपल गो इट विल बी लाइक अलॉन्ग विद टैक्सेस $300, $250 या $300। सो आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट $300, मैं घर पे ही अच्छे से खाऊंगी पकाऊंगी इंजॉय करूंगी। $300 मतलब सोच लो यार, 22,000-25,000 रुपये एक 4 घंटे के सेलिब्रेशन के लिए कौन जाने वाला है, मुझे नहीं इतना इंजॉय करना। बिकॉज एज दे से अ डॉलर सेव्ड इज़ अ डॉलर अर्न, एज एंड मुझ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रही हूँ, हाउ टू मैनेज माई एक्सपेंसिस वेल, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम यू नो वेयर वी आर टेम्पटेड टू लाइक ये कर लो वो कर लो, मतलब ऐसा बहुत से अटेम्प्ट होता है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स एंड मनी सेविंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ टाइम ऑफ रिसेशन, इन्फ्लेशन, क्या एंड वॉट नॉट, हु नोज क्या हो जाएगा। लाइक आप लोग सोचो, मैं लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में थी, अभी बॉस्टन में हूँ, फिर बीच में इंडिया चली गई, तो सच बोलूँ लाइफ का कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए। इसीलिए एज वी ऑल शुड ट्राई टू लाइक मैनेज थिंग्स, मैनेज आर एक्सपेंसिस वेरी वेल। एनी वे, मैं ज्ञान की बातें बहुत करती हूँ। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल गई थी, स्नोफॉल हो रही थी, धूप भी निकल गया था, बिकॉज
यहाँ का वेदर आई हैव नो वर्ड्स, इट्स आउट ऑफ प्रपोर्शन, कहीं कभी भी कुछ भी होता है। मैं मेरा ऑलमोस्ट सारा कुकिंग हो गया था और कल भी मुझे काफ़ी सारा कुकिंग करना है, तो यहाँ मैं अपना सीरीज़ इन्जॉय करूँगी। और इतनी अच्छी उस टाइम धूप निकल रही थी, मतलब जब धूप ऐसे फेस पे गिरता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप सबको फिर से हैप्पी विमेंस डे और हैप्पी होली और हैप्पी मेमोरीज़, ढेर सारी मेमोरीज़ बनाते रहिए अपनी फैमिली के साथ, खाते पीते रहिए और पैसे भी बचाते रहिए। चलिए मैं आपको मिलूँगी होपफुली नेक्स्ट वाला ब्लॉग, मेरा रिकॉर्डेड है थोड़ा बहुत तो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।